हेलो गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रो वाइड। और आपको एक स्मार्टफोन बाय करना है और आपका बजट है 30,000 रुपए, तो आप ये वाली वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे स्मार्टफोन्स आपके सामने लेके आया हूँ जो कि शायद आपके लिए काफी बेहतर हो सकते हैं। और मैंने इन सभी स्मार्टफोन्स को खुद एक्सपीरियंस किया है, यूज किया है, तो यहाँ पे इस वाली वीडियो में आपको एक क्लियर आंसर देने की कोशिश करूंगा हमेशा की तरह, और सभी के प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा आपको, और एक बोनस स्मार्टफोन भी है एंड में इस वाली वीडियो के। बाकी मैं बहुत सारे स्मार्टफोन बाय करता हूं अपने पैसे से, रिव्यू करता हूं आपके लिए, तो मुझे भी आपकी तरफ से बस आपका एक सब्सक्रिप्शन चाहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो मेरे लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी चीज है। तो प्लीज अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे रीजन बता सकते हैं कि क्यों आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपके फीडबैक से मैं अपने चैनल को, अपने कंटेंट को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले फोन की बात करते हैं तो वो है IQ 7। वैसे तो इसका प्राइस 32,000 के आसपास है, लेकिन ये डिस्काउंट में आपको 30,000 के नीचे देखने को मिल सकता है। इसके कुछ बेसिक फीचर्स आपकी स्क्रीन पे ये रहे, आप देख सकते हैं। अब अगर प्रोस की बात करता हूं तो इसकी डिस्प्ले काफी बढ़िया है, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, तो ओवरऑल कलर्स हो या फिर स्मूथनेस हो, काफी बढ़िया निकल के आती है, काफी स्टेबल परफॉर्मेंस है, और गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी स्टेबल, काफी बढ़िया लगी इसकी। BGMI एंड COD मोबाइल पे इसमें आपको काफी हाई सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, एंड गेम प्ले भी काफी स्टेबल रहता है, और साथ ही बैटरी परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी है, और कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी कहूंगा, क्योंकि इसमें OIS भी आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि इमेजेस बहुत ज्यादा नेचुरल नहीं कैप्चर करता, ये थोड़ा सा बूस्टेड कलर्स प्रोड्यूस करके दिखाता है, और कुछ एक बग्स भी हैं इसके कैमरा में, बट ओवरऑल कैमरा में डिसेंट कहूंगा, कैमरा में अच्छा कहूंगा इस प्राइस पे। बाकी 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है, और इसमें वीवो का डायलर मिल जाता है, तो ऐसे कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं आप आसानी से, सामने वाली पार्टी को पता नहीं चलेगा। और हाँ, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी ओवरऑल इस फोन का मुझे काफी पसंद आया। अब अगर कॉन्स की बात करते हैं तो IQ 7 में बहुत ज्यादा कॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ओवरऑल एक बैलेंस्ड काफी बढ़िया स्मार्टफोन है इस बजट में। लेकिन यहाँ पे फ्रंट कैमरा में EIS नहीं मिलता, और फ्रंट कैमरा से आप 1080p 60fps या फिर 4K 30fps 60fps की वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं, तो ये दो चीजें और इम्प्रूव हो जाती तो शायद बेटर होता। अब अगला स्मार्टफोन रहेगा हमारा Mi 11X। जी हाँ, ये स्मार्टफोन भी अंडर 30,000 आपको इजीली मिल जाएगा। इसके कुछ बेसिक फीचर्स ये रहे आपकी स्क्रीन पे। अब इसके प्रोस की बात करते हैं तो इसमें एक बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है, सबसे अच्छी बात कि 120Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ पे भी मिलता है, एमोलेड डिस्प्ले है, काफी बढ़िया कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, मीडिया कंजम्पशन के लिए खास करके ये वाला स्मार्टफोन काफी बढ़िया है, पंच होल का साइज भी काफी छोटा दिया गया है इसमें, ग्लास बिल्ड है तो बिल्ड भी मैं कहूंगा प्रीमियम है, और साथ ही स्नैपड्रैगन 870 है, तो इसमें भी परफॉर्मेंस आपको काफी स्टेबल, काफी बढ़िया, काफी तगड़ी वाली देखने को मिल जाएगी, और साथ में गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है। ओवरऑल स्नैपड्रैगन 870 वाले चिपसेट के जितने भी स्मार्टफोन मैंने टेस्ट किए, ज्यादातर गेमिंग में और परफॉर्मेंस में काफी स्टेबल और काफी सिमिलर रहे, और ऐसा कोई मेजर हीटिंग इशू या फिर कोई बैटरी ड्रेन इशू भी मैंने फेस नहीं किया इस वाले स्मार्टफोन में भी। इसमें भी BGMI और COD में आपको काफी अच्छी खासी सेटिंग देखने को मिल जाती है, गेम प्ले काफी स्मूथ रहता है, कैमरा क्वालिटी मैं ओके कहूंगा, बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं कहूंगा, कुछ कंडीशंस में थोड़ा सा ये अनस्टेबल सा परफॉर्म करता है, बट ओवरऑल इमेजेस अच्छी कैप्चर कर लेता है। जैसे कि इसके फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा डायनेमिक रेंज का इशू मेरे को फेस होता है, रेयर कैमरा में ऐसा इशू फेस नहीं होता। बाकी इसमें EIS मिलता है वीडियोस के लिए। अब इसके कैमरा सेटअप में एक चीज मुझे काफी कमाल लगती है, इसमें 5 MP का जो टेली मैक्रो कैमरा मिल जाता है वो काफी लाजवाब है, काफी ज्यादा मतलब क्लोज ऑब्जेक्ट्स के जा सकते हैं और काफी कमाल के मैक्रो शॉट्स कैप्चर कर सकते हैं, मतलब यूज करने का मन करता है इसके मैक्रो सेंसर को। बाकी 4G प्लस का सपोर्ट आपको इसमें भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको गूगल का ईमानदार डायलर देखने को मिलेगा। अब अगर कॉन्स की बात करते हैं तो इसमें भी बहुत मेजर कॉन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और इसमें MIUI भी काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, MIUI 12.5 का अपडेट आ चुका है, और मेजर कोई बग्स भी मैंने फेस नहीं किए इसके अंदर। बट हाँ, थोड़ा सा बड़ा स्मार्टफोन है और इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे हमारा अगला स्मार्टफोन रहेगा Realme X7 Max, और इसमें भी आपको 120Hz की AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी काफी बढ़िया है, UI काफी स्मूथ फील होता है, Realme UI 2.0 का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है, काफी सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिल जाते हैं, MediaTek का Dimensity 1200 चिपसेट आपको इसमें मिल जाता है, परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है, हालांकि मैं इतना कहूंगा कि Snapdragon 870 इससे बेटर है। बाकी 4G प्लस का सपोर्ट इसमें भी मिल जाता है, और इसमें भी आपको गूगल का ईमानदार डायलर मिलता है, कैमरा परफॉर्मेंस भी ओके है, बेस्ट इसे भी मैं नहीं कहूंगा, कुछ कंडीशन में कलर्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है या फिर कई बार थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी इमेज कैप्चर कर लेता है, बट इसमें वीडियो बोके वाला फीचर आपको मिल जाता है फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा में। और इस वाले फोन की डायनेमिक रेंज मुझे मतलब पसंद आई, और स्टीरियो स्पीकर्स इसमें भी मिल जाते हैं, बाकी जो और स्मार्टफोन्स की बात करी उनमें भी स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं,
हैं और साउंड क्वालिटी इसकी भी काफी बढ़िया है। बट इसमें एक चीज ऐसी मिलती है जो कि बाकी दो स्मार्टफोन्स में नहीं मिलती, वो है 3.5 हेडफोन जैक। अगर इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसकी बैटरी लाइफ थोड़ा सा एवरेज लगी, मतलब मुझे अप टू 5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला है जितना मैंने इसे अभी तक यूज किया है। और अगर हीटिंग कंट्रोल की, हीटिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उस मामले में भी ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है स्नैपड्रैगन चिपसेट के सामने। अब अगला स्मार्टफोन रहेगा हमारा रियलमी X7 प्रो, ये भी रियलमी की तरफ से आता है। अब ये फोन 30,000 रुपए का लॉन्च किया गया था, लेकिन आज के टाइम पे 26,000-27,000 रुपए में आपको ये मिल सकता है। रियलमी X7 मैक्स और X7 प्रो में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, काफी सारे फीचर्स मिलते जुलते हैं। X7 प्रो में आपको डायमेंसिटी 1000 प्लस देखने को मिल जाता है, साथ में ग्लास बैक आपको मिल जाता है पीछे की तरफ। बाकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, कैमरा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो ज्यादा कोई डिफरेंस आपको नोटिस नहीं होगा। तो अगर आपको रियलमी X7 मैक्स के प्लास्टिक बैक से दिक्कत है तो आप X7 प्रो की तरफ जा सकते हैं, सिमिलर प्राइस में आपको ये देखने को मिल सकता है। बट मेरे ख्याल में X7 मैक्स ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है ज्यादातर यूजर्स के लिए। बाकी इसमें भी 4G प्लस का सपोर्ट आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें भी गूगल का डायलर आपको देखने को मिलेगा। कॉन्स की बात करते हैं X7 प्रो की, तो यहाँ पे 3.5 हेडफोन जैक आपको देखने को नहीं मिलता। बैटरी ड्रेन और हीटिंग इश्यूज में ये भी सिमिलर ही लगा मुझे X7 मैक्स के। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन में ऐसा ओवर हीटिंग जैसा इशू नहीं है, लेकिन हीटिंग का थोड़ा सा इशू है। अब अगला स्मार्टफोन रहेगा सैमसंग गैलेक्सी A52। ये वाला स्मार्टफोन आपको अंडर 25,000 भी देखने को मिल सकता है। अब इसके प्रोस की बात करते हैं तो इसका कैमरा ओवरऑल काफी बढ़िया है, OIS मिल जाता है, लेकिन इसका OIS 60fps वीडियोस में काम नहीं करता। बाकी डिजाइन एंड बिल्ड इसका सही है, हालांकि प्लास्टिक बिल्ड आपको इसमें मिल जाती है, लेकिन एक बड़ा एडवांटेज मिलता है आपको इसमें कि इसमें IP67 रेटिंग मिल जाती है, तो इसे पानी वानी गिरता है तो ये बच जाएगा। अगर सैमसंग का फोन है तो भाई नॉक सिक्योरिटी आपको देखने को मिल जाती है और साथ ही सैमसंग पे का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और सैमसंग का फोन है, काफी सारे लोग पूछते हैं कि भाई सैमसंग का फोन चाहिए उन्हें अंडर 25,000 तक, ये वाला स्मार्टफोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये स्मार्टफोन पिछले काफी टाइम से अवेलेबल ही नहीं है, तो आप ऑफलाइन पता कर सकते हैं, ऑनलाइन तो मैंने काफी जगहों पे देख लिया, ये स्मार्टफोन मिला नहीं मुझे। बाकी A52 5G स्मार्टफोन भी इसी महीने आने वाला है, तो आप चाहें तो उसका वेट कर सकते हैं। अगर कॉन्स की बात करते हैं तो इस प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस इसमें आपको बहुत टॉप नॉच देखने को नहीं मिलती। स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट मिल जाता है, जो कि मतलब डिसेंट परफॉर्मिंग चिपसेट है, लेकिन इस प्राइस पे आपको बेटर परफॉर्मिंग चिपसेट मिल जाते हैं। लेकिन अगर सैमसंग के हिसाब से देखते हैं तो ओवरऑल एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, डिस्प्ले, साउंड क्वालिटी, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी इसमें काफी कमाल का देखने को मिलता है, और सैमसंग का डायलर मिल जाता है तो कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपको थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है तो आप इसे ले सकते हैं, बट अगर आप एक हार्डकोर गेमर है तो ये वाला स्मार्टफोन आप स्किप कर सकते हैं, दूसरे ऑप्शन है आपके पास। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बोनस स्मार्टफोन रहेगा, तो यहाँ पे वो स्मार्टफोन है Pixel 4a। तो अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो, लाइट वेट हो और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी अच्छा चाहिए आपको, एकदम क्लीनेस्ट एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, तो ये वाला स्मार्टफोन आप बाय कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने भी इसे परचेज करा था फ्लिपकार्ट से और डिस्काउंट में मुझे अराउंड 26,000 का पड़ गया था, तो इस बजट में ये वाला स्मार्टफोन भी काफी अच्छा हो सकता है, बट सभी के लिए नहीं, काफी सारी ऑडियंस के लिए अच्छा हो सकता है। कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, नेचुरल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए काफी अच्छा स्मार्टफोन है ये वाला। डुअल स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, साउंड एक्सपीरियंस भी काफी बढ़िया मिलता है, 4G प्लस का सपोर्ट भी मिल जाता है, बट हाँ 5G स्मार्टफोन नहीं है ये। कॉन्स की बात करते हैं तो प्लास्टिक बिल्ड आपको इसमें मिल जाती है, स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट मिल जाता है, जो कि इस बजट के हिसाब से मतलब कमजोर माना जाएगा। बट अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो इस स्मार्टफोन को जरूर कंसीडर कर सकते हैं, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहेगा ये स्मार्टफोन अच्छा दे देता है। और सच बताऊं तो इतने क्यूट स्मार्टफोन एंड्रॉइड की इंडस्ट्री में बनी नहीं रहे। बाकी इस वीडियो में मैंने जितने भी स्मार्टफोन्स की बातें करी सभी के या तो रिव्यू में डाल चुका हूं या तो टेस्टिंग वाली वीडियोस पढ़ चुकी होंगी, तो उन्हें आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी स्मार्टफोन बाय करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरा लिंक यूज करेंगे तो आप थोड़ी सी हेल्प मेरी भी कर पाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत कमीशन मुझे भी मिल जाएगा। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।